क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 12,500 फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट निकालना है 12,500 का 2 साल के लिए, जब उसको एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 15% लग रहा है पहले ईयर के लिए और दूसरे साल के लिए 16% लग रहा है। तो हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया है 12,500, रेट पहला रेट है 15%, R2 है 16%, ओके। टाइम आपका 2 साल दिया है, या तो आप एक इस साल का अलग निकालो, एक साल का इस साल, या दोनों को एक साथ मैं निकाल दे रही हूँ, इजली हो जाएगा। फॉर्मूला होगा A=P×1+ पहला रेट अपॉन 100 प्लस दूसरा रेट इंटू दूसरा रेट R2 अपॉन 100, और पावर जो है आपका वही दोनों का 2 साल का है, तो पहला साल एक तरफ कर दिया, दूसरा साल एक साथ, जो हम लोग पावर 2 करते तो हमने ऐसे कर दिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 12,500, 1 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 16 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 16,675, ठीक है। तो अमाउंट 2 साल का अमाउंट कितना हुआ, 16,675। हमने बेसिकली क्या किया, 12,500 रुपये पहला प्रिंसिपल अमाउंट रखा, रेट 15% पहले साल का था, दूसरा 16% था, टाइम 2 साल का था, ठीक है। तो अमाउंट की वैल्यू हो गई P×1+R1/100×1+R2/100, 12,000 पी की वैल्यू, 1+R1 15, 15 अपॉन 100×1+16 अपॉन 100, तो 16,675 आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। अब आप ऐसे तो करोगे नहीं, बात करते हैं लैंग्वेज की। सो गिवन डिटेल्स आर, प्रिंसिपल P=12,500, रेट =15%, विच मीन्स रेट 2=16%, टाइम =2 ईयर्स, बाई यूजिंग द फॉर्मूला A=P×1+R1/100×1+R2/100, तो आएगा 12,500, 12,500 × 15/100 × 1+16/100, सो 12,500 × 1.15 × 1.16, वैल्यू आई 16,675, सो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स इज रुपीज 16,675।